मुंबई में एक न्यूज़पेपर की तरफ से मोस्ट स्टाइलिश अवार्ड्स का आयोजन किया गया था, जहां पर बी टाउन के एक से बढ़कर एक सितारे पहुंचे हुए थे। इनमें शामिल थे ऋतिक रोशन, टाइगर श्रॉफ, राकेश रोशन, ऋषि कपूर, राधिका आप्टे, सोनम कपूर, साथ ही साथ बी टाउन के बाकी सितारे। मीडिया से बातचीत करते हुए राकेश रोशन का क्या था कहना, सुन लीजिए। बस खुशी की बात है, जो हमने इतनी मेहनत से, इतनी पैशन से पिक्चर बनाई है और लोगों ने उसे अपने पलकों में बिठाया है, उनका प्यार, उनकी खुशी देखकर हमें बहुत खुशी होती है और हमें इस खुशी से हमें ताकत मिलती है कि हमें और भी बेहतर पिक्चर बनाए इसी किस्म की और आगे बढ़े इंडस्ट्री को लेके अच्छी अच्छी पिक्चरों के साथ। और मैं बहुत खुश हूँ कि ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है, इतना प्यार। मुझे याद है कि जब मैंने कहो ना प्यार है बनाई थी, उस वक्त भी इतना ही प्यार मिला था जितना कि आज मिल रहा है काबिल की। स्टाइलिश एंड स्टनिंग दिखने वाली राधिका आप्टे ने भी अपनी बातें हम तक पहुँचाई। आई डोंट नो, हर दिन चेंज होता है मेरा परसेप्शन, पर I have my own style and I really believe in comfort and I love monotones and I love simple stuff. So I do have my own style which I really like. But when you see me outside, it's my stylist normally. And thank you Sabina, she dressed me today. I'm wearing Debbie and I love this outfit. वहीं बेस्ट एक्टर टाइगर श्रॉफ एंड एक्ट्रेस सोनम कपूर चुनी गई। अब देखना यह खास होगा कि ये सितारे 2017 में किन फिल्मों के साथ दर्शकों को एंटरटेन करेंगे एंड बन जाएंगे मोस्ट स्टाइलिश।